आखिरकार वन्य जीव प्रेमियों का अनशन काम आया, अब उन बंदरों को यहाँ से आज़ाद करने के लिए ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो अनशन पर बैठे थे पिंजरों में वो भी बाहर आ गए, तमाम जो इन बंदरों को इकट्ठा करके वापस गलता के जंगलों में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची थी। क्या आप लोगों को निर्देश मिले थे, क्या आपने देखा, क्या आदेश दिए इनको? सबको एक जगह कर रखे थे पिंजरों में, जो अलग अलग करा के इनको जंगल में छुड़ाने के लिए ले जा रहा हूँ। जंगलों में छुड़ाने के लिए ले जा रहे हैं। आप लोग काफ़ी देर अनशन पर बैठे रहे, सत्याग्रह किया आपने बंदरों का कि भाई आप भी पिंजरे में रहें, अब फाइनली आपकी बात का असर हुआ? बिल्कुल, हमें भी इस बात की खुशी है कि बंदर अपनी जगह पहुंच जाएंगे अपने परिवार के साथ में, अपने जो भी यार दोस्त हैं, और हमें भी खुशी है भी पिंजरे में बंद नहीं बाहर निकले, क्योंकि सुबह से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो जंगल में जाकर अपना खाना पीना भी शुरू करेंगे। और इस चीज़ की अनोखी मुहिम रंग लाएगा। हाँ, हमारी मेहनत और आप लोगों सबके सहयोग से ये काम हुआ जी। बिल्कुल, यहाँ पर जो निगम के सारे कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी पहुँच गए थे, पुलिस भी मौके पर आई, तमाम जो 20 से ज़्यादा यहाँ पर बंदर थे, कई बंदर ऐसे थे जो एक साथ इकट्ठे उन छोटे पिंजरों में बंद थे, उन्हें भी यहाँ से निकाला गया। अब इन तमाम बंदरों को वापस जो है जंगल की तरफ ले जाया जा रहा है, और उम्मीद है कि जो यहाँ पर ज़िंदगी इन्हें मिल रही थी, जिस तरह के हालात थे, उससे बेहतर हालात इनको बाहर मिल पाएंगे। अरबाज़ अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।